एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है मंडे और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं बस यहाँ पे नहा धो के फ्री होकर के जो है अपने बाल, आज मैंने हेयर वॉश करे हैं तो बस वही बाल वाल पोछ रही थी। और आज मंडे भी है तो मेरा फास्ट है आज। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी सुबह नहाने के बाद। तो मैं कुछ नहीं, सिंपल सा वही जो हमारा डेली का रहता है, थोड़ी सी क्रीम लगा ली, थोड़ा सिंदूर बिंदी लिपस्टिक, बस ये छोटी, ये सिंपल सा डेली का जो मेकअप होता है वो यही होता है। तो बस वही यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का बॉडी लोशन है, काफ़ी अच्छा है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत अच्छी है ये, काफ़ी टाइम तक रहती है। हमारी जो स्किन है वो बहुत मतलब ड्राई नहीं होती है, काफ़ी देर तक हमारी स्किन पर रहता है और स्मेल भी बहुत अच्छी है और मुझे काफ़ी पसंद है ये गुड वाइब्स का बॉडी लोशन, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ इसके बारे में। और बस उसके बाद यहाँ पे मैं जो है अपना जो रेडी होते हैं नॉर्मल, वही मेरा जो है सिंदूर बिंदी ये सब लगा रही हूँ मैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है मंडे और आज मेरा फास्ट भी है, तो बस अभी देखिए मैं मॉर्निंग में सुबह जो है नहा के आई हूँ और आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना पूजा का और वैसे ही थोड़ा सा रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और मुझे अपनी पूजा वगैरह मंदिर साफ करना है और जल्दी से पूजा ख़त्म करनी है क्योंकि स्माइली की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी 10:30 बजे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, ठीक है? तो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल पूजा करने के लिए और आप लोगों ने देखा ही है अभी मैं आप लोगों के सामने जो है रेडी हो रही थी। आज मैंने पहनी है साड़ी, तो ये आप लोगों ने देखी है, मेरी ब्लू कलर की साड़ी है और कई बार पहन चुकी हूँ मैं, डेली यूज वाली है। तो आज पूजा है, व्रत है, मतलब मंडे है, आज फास्ट है। तो यहाँ पर ये देखिए इस बोरी में है नारियल, ये इसमें रखे है नारियल, नारियल पानी, ये बोरी में पूरा 25 नारियल है इसके अंदर। तो ये अभी खरीद के लेकर के आए हैं क्योंकि हम इकट्ठे मंगवा लेते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं पूजा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ मेरी। तो मैं यहाँ पे जो है भगवान जी नहलाती हूँ, ये मेरा डेली का ही काम रहता है और आज तो मेरा फास्ट है, मंडे भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है सारे भगवान जी को नहलाऊँगी और ये जो थाली में पानी है इसको मैं जो है तुलसी में चढ़ा देती हूँ नहलाने के बाद। और वैसे तो मैं जो भगवान जी हैं उनको बीच बीच में अच्छे से क्लीन करती हूँ, लेकिन जो मेरा डेली नहलाना होता है वो सिर्फ मैं नॉर्मल पानी से ही नहलाती हूँ। और वैसे जब कभी क्लीनिंग करते हैं ना तो अच्छे से उनको जो है साफ़ कर देते हैं, क्योंकि माथे पे जब हम तिलक विलक लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लग जाता है भगवान जी के ऊपर, तो वो थोड़े लाल लाल से भी हो जाते हैं। तो इसलिए जब बीच बीच में जो है अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन डेली नहलाना होता है तो मैं ऐसे ही सिंपल पानी से ही नहलाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, अब यहाँ पर जोत वोत जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए और अगरबत्ती वगैरह ये सब मैं जो है तैयारी कर रही हूँ। अगरबत्ती मैंने लगा दी है, दीपक भी जला दिया है और स्माइली अभी सो रही है क्योंकि उसको भी जगाना है। पूजा होगी तो ऑब्वियसली अपने आप ही जग जाएगी, घंटी वगैरह बजेगी तो, क्योंकि वो सुबह उठने में बहुत नखड़े दिखाती है। और देखिए मैं फूल भी तोड़ के ले आई हूँ और ज़्यादा फूल नहीं तोड़ती हूँ मैं, यहाँ पे गमले में से सिर्फ 2 फूल तोड़े हैं। और मेरा छोटा सा ही मंदिर है, आप लोग देख रहे होंगे, ज़्यादा भगवान भी नहीं रखती हूँ मैं मंदिर में क्योंकि छोटा सा मंदिर है, भगवान ज़्यादा रहेंगे तो हम मतलब इसमें रखेंगे ये भी कहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हो रही है मेरी कथा, तो मैंने, मुझे कथा पूरी याद है इसलिए मैंने यहाँ पे किताब बंद कर रखी है। और वैसे भी ये किताब जो है कथा वाली नहीं है, 16 सोमवार व्रत की कथा नहीं है, ये दूसरी किताब है। ये जो कथा की किताब है ये संतान सप्तमी व्रत कथा है, लेकिन इसमें शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणपति जी, मतलब शंकर जी पार्वती जी की पूरी फैमिली है इसमें, इसलिए मैं ये हाथ में लेके बैठी हूँ।
बस देखिए मेरी पूजा जो है हो गई है, और पूजा होने के बाद फिर स्माइली की क्लास स्टार्ट हो गई थी 10:30 बजे से, और उससे पहले स्माइली को नहलाया, फिर उसको रेडी किया क्लास के लिए, तो बस इसी में ही टाइम निकल गया। फिर 11:30 बज गए हैं अभी, और अब मैं यहाँ पे जो है इनके खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा तो फास्ट है, तो मैंने पूछा आपके लिए क्या बनाऊँ, तो बोल रहे मेरे लिए आलू के पराठे बना दो, तो बस वही बना रही हूँ मैं इनके लिए। मैंने कहा या तो मैं आलू बॉईल करके सब्जी बना दूँगी, रोटी बना दूँगी, लेकिन नहीं, उनको आलू के पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने इसलिए आलू तो बॉईल करे ही थे, तो इनके लिए मैं फ़िलहाल आलू के पराठे बना रही हूँ। तो ये इनको इस तरीके से ही पसंद है। ये देखिए, इसमें मैंने तेल थोड़ा सा डाला है, इसमें जीरा राई डाल दिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी प्याज, और इस तरीके से इनको पसंद है आलू के पराठे, जैसे मैं अभी बना रही हूँ। वैसे मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो ऐसे काफ़ी अच्छे लगते हैं पराठे। और ये देखिए, मैंने टमाटर भी डाल दिया है, और टमाटर के बाद मैं इसमें थोड़ा सा बस ये देखिए हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैगी मसाला डालूंगी इसमें, और उसके बाद बस जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें डाल दूंगी मैं आलू जो मैंने घिसे थे अभी, और हरा धनिया। और वो वीडियो में नहीं आया है, मुझे लगा वीडियो बन रहा है मेरा, लेकिन बीच में बंद हो गया था। और ये देखिए, यहाँ पे किचन की खिड़की पे बार बार कौवा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे चने रख देती हूँ मैं, पापा जैसे नाश्ता सुबह करते हैं ना, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, तो वो मैं यहाँ पे मैंने प्लेट रख दिया, उसमें चने वगैरह हैं, तो वो बस बार बार कौवा आके लेके जा रहा है, और मैं रोज़ यहाँ पे रखती हूँ तो ये डेली आ जाता है इधर। बस उसके बाद देखिए, यहाँ पे मेरे पराठे भी बनने शुरू हो गए हैं, इनके लिए मैं पराठे सेक रही हूँ यहाँ पे, और स्माइली के लिए भी। तो ज़्यादा आलू इसीलिए मैंने बॉयल भी नहीं करे थे, थोड़ा सा ही करे थे कि मतलब ये और स्माइली है खाने वाले, और यहाँ पे गैस ऑन हो गई है। तो बस चलिए अब जल्दी से जो है पराठे बना देती हूँ, और आज फास्ट है मेरा, तो मैं तो खाऊंगी नहीं, वैसे मुझे भी बहुत पसंद है आलू के पराठे लेकिन सिर्फ इनके लिए ही बना रही हूँ अभी। बन रहे हैं फिलहाल पराठे, एक देकर आ गई हूँ, बाकी और सेकती जा रही हूँ, और आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करने जा रही हूँ स्माइली याद। रुमाल कहाँ गया? कोई नहीं करो, गुस्सा आता है। आधी 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 हक करो, हक करो, अबे हक कर, गाल भी किसी करो, गाल भी किसी, वो नहीं करा रही, वो देख वो देख वो आ गई, आप हक किसी करो, ओके थक गई वो भी, चॉकलेट वो कहेगी पहले मैं खाऊंगी। स्माइली देगी, रुको आदि, आदि खा ले, मिठाई है, मीठा बन गया, वो खुद खा जाएगी, वो खुद खा लेगी, खा ले कैसे हैं आप लोग?
आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30 और मैं बस अभी मैंने थोड़ा सा एप्पल खाया और चाय वगैरह पी ली है, बाकी मैं जो है शाम को खाती हूँ। वीडियो बनाने बैठो कभी भी तो इसको पता चल जाता है, जैसे मैं थोड़ा तैयारी करूंगी ट्राइपॉड वगैरह रखूंगी वैसे इसको पता लग जाएगा, फिर ये जा नहीं सकती है यहाँ से चाहे कितने भी इसको काम हो। बेटा मैं वीडियो एंड कर दी ना, मुझे किसी से बात करनी, मेरा फोन आया, बहुत बहुत ज्यादा परेशान करती है। मेरा फोन आया, चुप करो। हाँ हाँ ठीक है, तुम वहाँ जाके बात कर लो फिर। तो बात करनी है। तो बस अभी मैं फ्री हुई हूँ, मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है रक्षाबंधन की वीडियो, क्योंकि देखिए मेरे पास कुछ था नहीं आप लोगों के पास रक्षाबंधन का कुछ शेयर करने का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं मतलब गई नहीं मायके राखी है, मतलब हमारे घर में तो लगा ही नहीं कि कुछ फेस्टिवल है कल, क्योंकि स्माइली का आदि का राखी हर साल जो है यही लोग सेलिब्रेट करते थे आदि स्माइली का, तो लगता था कि हाँ कोई त्योहार है आज। तो बस ऐसे ही अपने भाइयों से सबसे वीडियो कॉलिंग में ऐसी सबसे बात हो गई है, लेकिन राखी वाखी नहीं हो पाया। और आदि स्माइली का भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये दोनों का भी नहीं राखी इस बार बन पाई है, बट कोई बात नहीं। इनकी कुछ क्लिप्स थी मेरे पास जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, क्योंकि देखिए इस टाइम जो है सभी यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का डाल रहे हैं, मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा यार सब लोग डाल रहे हैं मैं क्या शेयर करूंगी। तो मेरे पास बच्चों की थी आदि स्माइली के सेलिब्रेशन की थी, और वैसे इनके हर साल के वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं, बट हो जाता है कभी कभी फोन खराब हो गया, जैसे किसी फोन में रहता है या कंप्यूटर में भी कभी कभी सब कुछ चला जाता है, हो जाता है खराब, तो इस वजह से सारी नहीं है, लेकिन फर्स्ट रक्षाबंधन की जो वीडियो है वो हमारे पास अभी भी है, मेरे फोन में भी है, वो डिलीट नहीं हुई है। तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करी है, मैंने आप लोगों ने देखा ही है हमारे ब्लॉग में। तो आज का जो ये वीडियो है, आज का जो व्लॉग है हमारे बच्चों का पहला रक्षाबंधन, आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक करना मत भूलना। और तो स्माइली हो गई है गुस्सा, क्योंकि मैं जब एंड करती हूँ ना तो इसको आने में बहुत अच्छा लगता है बोलने में। तो आज मेरे लिए फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, और आप लोगों को पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक कर लेना। और क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी भी दबाना। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा बैक बटन भी प्रेस कर लेना। तो सब्सक्राइब के साथ साथ में बैल बटन भी प्रेस कर लेना, उससे क्या होगा हमारी जो न्यू वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशन हमारी फीस में हम देखना ले। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चलती रहेगी उसकी चमड़ तो चलिए हम मिलेंगे आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।